हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल फ्रॉम द एसडी स्वाइन ब्रीडर। दोस्तों, आज हम इस इंफॉर्मेशन वीडियो में बात करेंगे कि जो एनिमल्स को मिनरल की क्या जरूरत है और अगर हम उसको नहीं यूज करोगे तो उसमें कितनी समस्याएं हैं और उसका क्या समाधान है, कौन सा यूज करना चाहिए प्रोडक्ट इन सब कमियों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एनिमल्स में मिनरल्स की, विटामिन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर हम उसको अलग से नहीं देंगे तो इनमें बहुत सारी समस्या का प्रॉब्लम होती है, लाइक उनका सही समय पर हीट में ना आना, उनके बच्चा ना ठहरना और पूरे एक साल तक उनको बच्चा पैदा ना होना और उनकी कमजोरी आना, हड्डियां में कमजोरी, चमड़ी में खुरदरापन हो गया, बच्चे जो पैदा हुए हैं वो कमजोर पैदा हुए हैं या फिर बाद में मर जाते हैं, ईंटे पत्थर और कपड़ों को खाना और समय से पहले डिलीवरी से पहले ही बच्चेदानी से बच्चे गिरा देना, बहने के बाद जेर का बाहर ना गिरना और अनाज का बिना पचे ही गोबर के थ्रू बाहर निकल जाना। तो ये सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान है विटामिन एंड मिनरल मिक्सचर। इनकी कमी क्यों होती है, अलग से क्यों देना पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी अनाज जमीन में बोते हैं, उसको पैदा करते हैं तो अपने आप वो जमीन से जो जमीन के अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जमीन के अंदर भी वो ले लेते हैं। तो अब क्या हो चुका है, जमीन का इतना दोहन हो चुका है, उसमें इतना जहर हो चुका है जमीन का कि उसमें ये सारा मिनरल विटामिन्स जमीन में बहुत कम मात्रा में रह गए, इसलिए हमें अलग से इसको देने की जरूरत बहुत पड़ती है। एक एनिमल के शरीर को जरूरत होती है विटामिन्स, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम, सल्फर, आयोडीन, इन सारे तत्वों की जरूरत पड़ती है। इन सब की कमी को दूर करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अलग से आप मिनरल मिक्सचर फीड में डालें। मैं रिकमेंड करूंगा आपको सी लाइन मिन गोल्ड पाउडर है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो कि मेरे एनिमल कितने स्वस्थ हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, बहुत ही हेल्दी एनिमल्स हो रहे हैं मेरे। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको कौन से एनिमल को कितना देना है और दूसरे जो और कंपनी के प्रोडक्ट है उसमें से इसमें क्या बढ़िया है और इनकी कॉम्पोजिशन आती है 1 kg, 5 kg, 20 kg की बाल्टी आती है। इनको ऑर्डर करने के लिए अब आप अमरीक सिंह है केरला ही बेट फार्म के वो बिजनेस मैनेजर है, उनको कनेक्ट कर सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि सिलाइमिन गोल्ड पाउडर है जो वो दूसरों से कंपनियों से कैसे बढ़िया है। तो ये एक मेरे पास एक कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात है इसमें बेस्टमिन गोल्ड, जो बेस्टमिन गोल्ड है उसमें आप देखोगे तो इसकी पैकिंग में ही इन्होंने क्या कर रखा है कि 1.2 kg मतलब के 1200 ग्राम की पैकिंग कर रखी है इन्होंने और उसमें ज़्यादा दिखाने के लिए इन्होंने ये सारी कॉम्पोजिशन जो बताई हुई है ये सारी आपको 1200 ग्राम में मिलेगी, 1000 ग्राम में नहीं मिलेगी। तो ये आप देख लेते हैं कि हाँ जी इसमें तो ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है, वो 1 किलो के कंपैरिजन और ये 1200 ग्राम के कंपैरिजन है, तो इसमें थोड़ा जरूर ध्यान दीजिए आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें विटामिन ए है जो 7 लाख बताया गया है यहाँ पे और ये 7 लाख है जो ये 1200 ग्राम का है और वैसे ही एग्रीमिन फोर्ट में 1 किलो में ही इतना है, इसमें 1200 ग्राम में तो कम हो गया ना जी। तो वैसे सी लाइमिन गोल्ड में देखिए आप ये है 12 लाख, 7 लाख नहीं है, 12 लाख विटामिन ए है इसमें और ऐसे ही इसमें है 2 लाख, 2 लाख विटामिन D3 है, बाकियों में सब में कम है, ठीक है। ऐसे ही विटामिन ई है जो इसमें 1000 mg है और बाकियों में 250, इसमें 1800, इसमें 500 है, तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही अब विटामिन में अगर देख सकते हो विटामिन B1 है इसमें 1300 mg है, B2 इसमें 600 है, बाकियों में नहीं है, B3 निकटामाइंड है जो इसमें नहीं है बाकियों में है, और ये B12 देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये 3000 mg है इसमें, बाकियों में किसी में भी नहीं है। विटामिन एच भी है इसमें 100 ग्राम और बहुत सारे कंपैरिजन है वो आप खुद ही देख सकते हो कि सब में बढ़िया बढ़िया है इसका। ये कॉपर की बात करते हैं ओके, इसमें बहुत ही ज़्यादा है, देखिए 5000 mg और जो बाकियों में कंपैरिजन बहुत ही कम है इसमें सबसे ज़्यादा है।
बाकी आप खुद देख सकते हो कि कोबाल्ट की मात्रा बढ़िया है, आयरन का है, आयोडीन का है, ठीक है, मैगनाजे हैं, सोडियम, जिंक और ये सारी चीज़ें जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये भी है इसमें। और बाईपास फैट है इसमें, बाईपास प्रोटीन भी है इसमें, सीवीड पाउडर भी है इसमें। इसको देने का तरीका अगर हम देखें तो जो कमज़ोर जानवर है या फिर रेगुलर ही आप इसको दे सकते हो सभी को 30 ग्राम डेली, और जो प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट एनिमल को आप 50 ग्राम तक डेली दे सकते हो, और छोटे बच्चे हैं उनको आप 1 से 2 चम्मच दे सकते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण कंपैरिजन मैंने बताया, तो ये मैंने कंपैरिजन अपने यूज़ के हिसाब से ही बताया, बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है मेरे को, ठीक है। मेरे का ये मेरा मुद्दा नहीं है कि ये कंपनी का खरीदो उस कंपनी, मेरा सिर्फ कंपैरिजन बता दिया है मैंने। किसी भी ब्रांड को मैं यहाँ पे गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरा कोई इसमें कंसर्न नहीं है कि इसका ये ब्रांड ख़राब हो, ये एक मेरा रिव्यू है, मैं अपने हिसाब से आप खरीद सकते हो इसको देख कर। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, आप मिनरल मिक्सचर यूज़ करना स्टार्ट करें, और सर इसका रिजल्ट मेरे को अपने जो जो कौन कौन से भाई कैसा मिनरल मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने मेरे कमेंट में बताएं वो, और उसका रिजल्ट भी बताएं। प्लीज़ मेरी और भी अच्छी वीडियोज़ है वो भी आप देखो, लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके भाइयों के साथ शेयर करो।